हेलो वेलकम गाइस। तो गाइस आज वो दिन आ चुका है जिस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो गाइस ये देखिए मेरे पास कितना पैसा है, पैसा पैसा पैसा। तो ये पैसा पूरा है मेरे पास जो है 2 लाख रुपए। गाइस 2 लाख रुपए आज है। तो आज हम लोग लेने आ रहे हैं कैनन R6 Mark II कैमरा, जो वेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कैमरा है एंड कैंडिड फोटोग्राफी के लिए एंड ट्रेडिशनल के लिए तो नहीं था मैंने रखा जाता है ट्रेडिशनल, क्योंकि नॉर्मल हो गया, नॉर्मल कैमरा से भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोफेशनल कैमरा की ओर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, आपको मैं लेने तक इंटरव्यू सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, बिलिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा और कैनन R6 Mark II लेने वाला हूँ, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, किस प्रकार की क्वालिटी है सब कुछ वीडियो में बने रहेगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। तो हम लोग आज मार्केट जाएंगे और ये पैसा लेकर आएंगे और उससे हम वेडिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे एंड रील सिनेमैटिक पूरा फुल्ली वर्क करेंगे। सो गाइस हमारी लाइफ का एक फर्स्ट हाई लेवल का कैमरा ले जा रहे हैं भाई, क्योंकि नॉर्मल कैमरा तो हमारे इद्दी पिद्दी सब लोग लेके घूमते ही, बच्चे लेके घूमते, लेकिन एक प्रोफेशनल कैमरा लेके वो फोटोग्राफर कहलाता है। तो मैं इसलिए प्रोफेशनल पैसा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट और ये पैसा वहाँ पर देंगे और लेके आएंगे कैनन R6 Mark II। सो उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह रिव्यू वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले ये व्लॉग होता है, हम लोग जो बाइक करने जा रहे हैं उसका व्लॉग होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो हमारे साथ आपके हमारे साथ भी हमारे भाई भी हैं जो हेल्प किए हैं पैसों ने, तो उसका मैं दिखा देता हूँ चेहरा। तो उससे थोड़ा इंटरव्यू देते देते वो क्या कहना चाहता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो आज कैमरा हम लोग लाने वाले हैं? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, इतनी खुशी है कुछ कहने को नहीं, पैसा भी है और बस जाने का इंतजार है। और कैमरा बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है, हम लोग उससे अच्छी अच्छी और फुल फोटो निकाल सकते हैं। तो अभी कितना पैसा निकाल के लाए हैं आप? ये 2 लाख रुपए है और 2 लाख कुछ 60 या 80 का है कुछ। तो अभी मार्केट में जाके वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करके ऑनलाइन भी थोड़ा सा ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि कैश ज्यादा ले जाना इतना अच्छा नहीं होता है। तो जितना हमारे पास कैश बन सका तो उतना मैं कैश लेके जा रहा हूँ और ऑनलाइन वहाँ करेंगे। तो गाइस हम लोगों का ये रूम है, इस रूम में जब उसको लेके आएंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफी, मैंने इस रूम का रिव्यू डाला हुआ है बहुत पुराना, क्योंकि इसमें थोड़ा आप देखिए प्रिंटिंग वेंटिंग कराने का पड़ा है। बाकी आप कुछ इसके बारे में और कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहते हैं कैमरा R6 बहुत बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी देता है और अच्छा कैमरा है और वेडिंग के लिए तो इतना अच्छा बना है कहने को नहीं। तो उसका छोटा मोटा कैमरा लेने से कोई फायदा नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करो तो एक अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो, नहीं तो ना करो। मेरा कहने मतलब है आप लोग देख सकते हैं 50-50। तो चलते हैं ब्लॉग की ओर, सीधा मिलते हैं ब्लॉग में। और इससे पहले हम देखेंगे पापा क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में रिव्यू लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। पापा बताने वाले हैं कि कैमरा लेने जाना है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैमरा ले रहे हैं, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कैमरा ले जा रहे हो तो बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी और अच्छा काम हुई। अच्छा और कुछ? और गाय। अच्छा अब हम मम्मी से पूछ रहे हैं, मम्मी क्या कहना चाहते हैं कैमरा के बारे में? क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? अच्छा मिले, अच्छा घड़ी समय है, कारोबार चले, अच्छा मिल जाए। अच्छा तो मम्मी अच्छा अच्छा कहते सब कुछ अच्छा ही हो आगे। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं कैमरा लेने और ये हमारा होम है पूरा घर, तो यहाँ पर अभी हम लोग तीन लोग निकलने वाले हैं और वहाँ पर देखेंगे कैसा क्या लगता है और किस का हमको मालूम पूरा रास्ता का व्यू सब कुछ दिखाने वाले हैं, किस प्रकार जाएंगे वो कैमरा वगैरह सब कुछ खोल के दिखाएंगे और कैमरा का टेस्टिंग वगैरह सब कल वीडियो बनेगा, बाकी सब देखते हैं आगे क्या होता है। वो तो है नहीं Thank you.
वेलकम गाइस, गाइस हम लोग लिया है कैमरा और यहाँ पे भी अनबॉक्सिंग होने वाली है और इसके साथ तो बर्गर लाए गए हैं और एक किलो लड्डू लाया गया है। लड्डू इसमें है, कैमरा इसमें है। तो अभी हम लोग आए हैं, आज टाइम हो गया पूरा 7 बज गया है, सुबह गए थे दोपहर में और लौटते लौटते इतना टाइम हो गया है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैमरा तो उसके लिए बर्गर पहरे होने जा रहे हैं, पार्टी होने जा रही है, फिर लड्डू, फिर अभी लड्डू चढ़ाए मतलब लड्डू मतलब खिलाए जाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बहुत थक गए हैं, सर दर्द हो रहा है। तो फाइनली कैमरा मैंने ले लिया है कैनन आर, अरे यार कैनन आर 8, अरे नहीं कैनन आर 6 Mark II। तो लड्डू वड्डू डालिए पहले पहले चढ़ाए निकालो इसको फटाफट, रखो यहाँ पे पूजा मतलब जो करने वाला है निकाल के लड्डू चढ़ाने वाला करो। स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। इसको खोलने जा रहा है, इसमें खोल के निकालो तो ये देखो अपने मंत्र पढ़ने लगे हैं। सी एक रिव्यू गाइस, लेंस इसका है जो हम लोग 14 चप्पल लाए, और ये देखिए बॉक्स है, इसमें लाया गया है कैमरा। सो अभी इसको यहाँ से पहले थोड़ा बराबर रखो। तो ये हमारा जो सेटअप है यहाँ पर आज का, तो आपने देखा ही होगा वहाँ पर, आपने देखते चले आ रहे हैं। और ये रहा पूरा सिस्टम इसका, एक लेंस जो हम लोग लाए हैं, उसके बाद लड्डू चढ़ाए जाएंगे। तो जाइए लड्डू चढ़ाइए जाके, अरे खोले रहते इसे जामे, अरे कैमरा खोल खाल का अंधेरे के तब मतलब लड्डू खावा है। तो लड्डू नहीं यार, अरे अब खुला। सो गाइस हम लोग देखो अभी यहाँ पर लाए हुए हैं और यहाँ पर वो है, कैमरा गाइस हमारे पास आ चुका है जिसकी ब्रांडिंग दिखा दूं मैं आपको, कैनन की EOS R की है। और तो इस पे रखा जा रहा, रखिए अम्मी बैटरी डाल दिया, बैटरी डाल दिया, बैटरी बाद में डाल देना, वो देख नहीं बैटरी पर रख। सो लड्डू लाए हैं, लड्डू रखिए, तो हमारे यहाँ कोई आता है तो ऐसे ही किया जाता है सब कुछ। तो पूरा अभी लड्डू दिए जाएंगे, कितने लड्डू में देगा, कितने लड्डू दे, एक किलो ला नहीं माँ, एक कितने का लड्डू खाइयो, एक उधर दो, एक वो का, एक वो का, दो इधर खा कर देख लो माँ का है लेंस आगे पूरा की दो। सो गाइस आप देख सकते हैं लड्डू, यहाँ पर एक लेंस का लड्डू है, एक कैमरे का लड्डू है, ये सब देख पा रहे हैं। लड्डू बटने लगे हैं, लड्डू ले लीजिए आके, आप कर आपको भी खाना लड्डू आ जाइए, तो लड्डू हमको भी मिलेगा एक।
घूमते घूम।